सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और इसके बाद से ही सियासी गर्मी बढ़ चुकी है, सियासी हलचल बढ़ चुकी है। ओम प्रकाश जी साथ में ही है। सर, जानना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी से मुलाकात की आपने बांदा जेल में और आपने न्योता दिया कहीं से भी चाहे तो चुनाव लड़ाएंगे आप। देखिए, मुख्तार अंसारी जी से हमारी दोस्ती 19 साल से है। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मैं बांदा जेल जब जाता था मिलने, उस समय रोपण वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, फिर रोपण गए तो रोपण भी मैं जाता था मिलने, आगरा थे तब भी, लखनऊ जेल में थे तब भी, तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। और जब से मैं पार्टी बनाया तब से हम लोग मिलके चुनाव लड़ने का एक उनका एक अलग प्रभाव है। पूर्वांचल के साथ साथ मध्यांचल में भी उनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं। तो हम चूँकि इधर सरकार के जो नीति है मिलने से रोक लगा दिया था, तो उसमें हम इधर लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। तो कल उनका एकाएक मैसेज आया पत्रवाहक द्वारा कि विधायक जी बहुत परेशान है मिलने के लिए आपसे, तो फिर मैं कल चला गया, उनसे मुलाकात हुई तो बातचीत हुई उनकी हमारी। जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, देखिए बसपा ने पहले ही उनका टिकट काट दिया था, इसके अलावा बाकी दल भी लगातार एक मुद्दा उठाते हैं कि अपने यहाँ से किसी आपराधिक छवि वाले को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति पास जा रहे हैं जिन पर 52 से ज़्यादा मुकदमे हैं, हत्या तक का मुकदमा है। देखिए, जब मायावती जी की पार्टी ज्वाइन किए तो मायावती जी ने मंच से कहा कि मुख्तार माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। जब उनका काम खत्म हो गया तो माफिया दिखने लगा। उन्हीं की पार्टी से न विधायक, आज भी विधायक उन्हीं की पार्टी से है, दूसरे की पार्टी से नहीं। और कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। अगर आप योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो, साधु महात्मा हो, सही बोलते हो, तो आप उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची जारी कर दो और सूची जारी करके सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, एक समान कार्रवाई करो, तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप जाति और धर्म चीन के कार्रवाई करते हो, इस नाते उंगली उठाता है। मैं जब मिला था, मिनिस्टर था, तो मैं बांदा मिला, मैं रोपण जाके मिला, तब आपने ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने क्यों जाता है। क्या कोई बयान योगी जी ने दिया? क्या उस समय इनको पता नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर जा रहा है मिलने के लिए? आज हम उनसे अलग हो गए, उनसे साथ नहीं। आज जब से हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो गठबंधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। ये सच को झूठ, झूठ को सच करने में लगे हैं। अभी जैसे इनका बयान 31 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर है। मुख्यमंत्री जी वो दिन भूल गए, इन्होंने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति और उनके पर्यटक स्थल का ही विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर। मुख्यमंत्री शायद भूल गए कि उन्हीं को चिट्ठी दिया था, उन्हीं ने रिमार्क किया और उन्हीं के रिमार्क पर 22/7/2017 को चिट्ठी लिखी गई, 225 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और कार्रवाई चलती रही। तब तक हमारा उनका दोस्ती टूट गई, गठबंधन टूट गया हमारा उनका, उसी पैसे से काम शुरू हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक ब्लैकमेलर। मेरी लड़ाई 2 बार लखनऊ पंचायत हुई माननीय मुख्यमंत्री से, अमित शाह जी आए तो सामाजिक न्याय समिति के लिए लड़ाई हुई थी। हम उनसे अपने बेटे को सांसद MLA MP MLC बनाने की लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक चीज सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से जितने मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी की, जो एक छवि कहीं ना कहीं एक आपराधिक बनी हुई है, लगता नहीं है इससे आप लोग को चुनाव में डैमेज होगा किसी तरह का? लखीमपुर खीरी की घटना को देखिए, ज्वलंत उदाहरण। आशीष मिश्रा उर्फ टोनी, अजय मिश्रा उर्फ टोनी, उनके पहले, इसके पहले भी 302 के मुकदमे हैं और उसमें उनका बेटा 4-4 किसानों की गाड़ी चढ़ा के हत्या कर देता है, एक पत्रकार मर जाता है, उसके बाद वहाँ 9 लोगों की हत्या होती है और ये सरकार अपराधियों को बचाने हो गई, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब उस पर कार्रवाई हुई है। और 120 बी का मुलजिम केंद्रीय राज्य मंत्री
और गृह राज्य मंत्री लखनऊ आते हैं, एक मंच पर होते हैं और दूरबीन से देखते हैं, इसे अपराधी नहीं दिखाई देते ना, बगलिए में तो था टेनी। अगर वहीं कोई पत्रकार होता, कोई किसान होता, कोई नौजवान होता, कोई गरीब होता, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो तत्काल जेल में कर देते। आप पहले उसको हटाओ, इस्तीफा दिलवाओ, जो जांच है वो प्रभावित कर रहा है, वो बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और बाधा की बात कर रहे हैं, देखिए आप बलिया में पाल की हत्या होती, अपराधी को सरकार बचा रही थी। हाथरस में बेटी का रेप होता है, उसको सरकार बचा रही थी अपराधी को। ये तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये अपराधियों की सूची जारी करें हैं तो हिम्मत। एक चीज ये बताइएगा कि जिस समय मुख्तार अंसारी का टिकट कटा था उस समय आप सपा से मिले नहीं थे, उस समय AIMIM ने भी कहा था मुख्तार के लिए दरवाजे खुले और आपने भी कहा था। अब तो ओवैसी सपा साथ आते नहीं दिख रहा है, आप सपा साथ मिल चुके हैं तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार किसके साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ या आपके साथ? मित्रता आप बता रहे 19 साल। मुख्तार जी का टिकट कटा कहाँ है, अभी तो MLA हैं और 2022 में खुद MLA बनेंगे। किसकी तरफ से बनेंगे, आपकी तरफ से बनेंगे या ओवैसी की तरफ से? वो खुद बनने की हैसियत में रहता है, वो निर्दल भी जीत जाता है, पार्टी समर्थन करती है तब भी जीत जाता है। हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी, क्योंकि हमारे मुद्दों पर हमेशा उनकी मुहर लगती है कि जो महंगाई के सवाल पे हम लड़ते हैं, बेरोजगारी के सवाल पे लड़ते हैं, हम किसानों के सवाल पे लड़ते हैं, बिजली बिल माफी के सवाल पे लड़ते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सारे मुद्दों पर वो हमारे साथ खड़ा नजर आता। बात आपने अभी कही थी कि मायावती ने एक बयान दिया था, उन्हें मसीहा बताया था, आपके हिसाब से भी वो मसीहा है? देखिए गरीब उसको मसीहा मानता है, तब उसको 5 बार लगातार MLA बना रहा है वहाँ उस क्षेत्र की जनता। अगर वो जनता की निगाह में माफिया होता तो फिर वो MLA नहीं बन सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी एक बार कहा कि मुख्तार अंसारी जो है वो गरीबों के मसीहा हैं और उनकी अगर बात की जाए चुनाव में, वो खुद चुनाव जीतने की हैसियत भी रखते हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो द्वेष की भावना से है। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।